खरगोन पुलिस ने हथियार सप्लाई नेटवर्क में शामिल गिरोह के 7 तस्करों और निर्माणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इनमें तूफान सिंह भी शामिल है। पकड़े गए आरोपितों में 2 का आपराधिक रिकॉर्ड भी है। मामले का खुलासा करते हुए SP रोहित काशवानी ने बताया कि 28 अप्रैल को टेमरनी पुल के नीचे अवैध हथियारों के खरीद फरोख्त की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर तत्काल टीम गठित कर मौके पर भेजा गया। यहां पुलिस ने घेराबंदी कर 6 हथियार तस्करों को पकड़ा, जिनमें केहर सिंह, प्रधान सिंह, बरनाला सिकलीगढ़ सिगनूर से 2 देसी पिस्टल, सतवंत सिंह नहरसिंह से 3 देसी पिस्टल जब्त की है। यह सभी कुशल कारीगर होकर कुछ ही समय में हथियार बनाने में माहिर है। इनके अलावा तूफान सिंह, रतन सिंह, जो दंगे में इस्तेमाल की गई पिस्तल बिक्री मामले में फरार था, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ गोगांव थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हम लोगों को मुखबिरों के द्वारा सूचना मिल रही थी कि यहाँ से खरगोन जिले से हथियार बाहर की ओर जा रहे हैं, और साथ ही जो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जिसमें SP सर को गोली लगी थी, उसमें भी एक आरोपी के बारे में पता चला था, जो आरोपी तूफान सिंह, जिसने मौसी को पिस्टल सप्लाई की थी। तो इसमें मुखबिरों की सूचना पर हमारी पुलिस ने दबिश दी, जिसमें थाना गोगांव के सिगनूर गांव में दबिश दी गई। इसमें कुल 6 कारखाने पकड़े गए, जहां पर कुल 17 पिस्टल बनाई गई थी, और हमारी टीम ने कुल 7 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें एक तूफान सिंह जो कि इसमें फरार था, उसको भी पकड़ा गया है। और हमारी जो बैंक की टीम है, और थाना गोगांव और थाना कोतवाली की टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। सर, कुल नेटवर्क में पता चला क्या? इसमें जो है, इसमें पिस्टल पकड़े गए हैं, और इसके साथ जो भी सामान है वो। मोहसिन ने बताया था कि उसने तूफान सिंह से पहले पिस्टल ली थी। बाकी तूफान सिंह का पूर्व में 2 आपराधिक रिकॉर्ड भी है, थाना गोगांव और थाना कोतवाली में। 6 के अलावा और भी इसमें आरोपी होंगे सर? इसमें इनसे पूछताछ की जाएगी और अन्य जगहों पर भी दबिश दी जाएगी। अभी कुछ समय से लगातार हमारे पास सूचना आ रही थी कि अवैध हथियारों की तस्करी की जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा एक टीम गठित की गई, स्पेशल टीम, और सिगनूर जो गांव है वहां पर दबिश दी गई। इसमें 4 टीमें थी, 4 टीमों के में दबिश दी गई, और इसमें करीब 7 आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी तूफान सिंह, जो कि रामनवमी दंगे वाले मामले में जो कि फरार था, जिसने हथियार सप्लाई किए थे SP सर को गोली मारने वाले से, तो उसको भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 6 अन्य आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिन्होंने जो कि तस्कर थे और बाहर हथियारों की सप्लाई करते थे। लिंक कहाँ से मिली थी सर? जी, तूफान सिंह से लिंक मिली थी आपको? हाँ, इसके पर हमारे पास मोहसिन से तूफान सिंह की लिंक मिली है, और तूफान सिंह से बाकी उनकी लिंक हमें मिली थी, और हमारे पास अन्य मुखबिरों से भी सूचना थी, जिस पर हम लोगों ने एक्ट किया। इसमें टोटल हम लोगों ने अभी 17 पिस्टलें जब्त करी हैं, और 17 पिस्टल के अलावा जो इनका जो मशीनरी रहती है पूरी बनाने की, ऐसे 6 कारखाने हम लोगों ने, फैक्ट्री जो है वो जब्त करी है, और अभी इन लोगों से सघन पूछताछ की जाएगी, इनकी डिमांड भी ली जाएगी, ताकि और इनका नेटवर्क पता कर सकें। अभी उसमें हम लोग पूछताछ करेंगे, और विवेचना जो हमारी अनुसंधान रहेगा उसमें जैसे तथ्य सामने आएंगे उसमें। कहाँ लेके जा रहे थे कुछ जानकारी? अभी ये कहीं लेके नहीं, इनके द्वारा बनाया निर्मित किया जाता है, और अपने एजेंटों के थ्रू ये सप्लाई करवाते हैं। सर, SP साहब को भी गोली मारने की बात सामने आ रही है, इसमें वो भी आरोपी? हाँ, इसमें एक तूफान सिंह पकड़ा गया है, जिसने मोहसिन को ये पिस्टल सप्लाई करी थी। मोहसिन के द्वारा ही SP सर पर हमला किया गया था रामनवमी के दंगे वाले। नहीं, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ये किसके लिए सप्लाई किए जा रहे थे, लेकिन इसमें अभी हम लोग रिमांड लेके इस पर पूछताछ करेंगे, और जैसे भी तथ्य सामने आएंगे उसको अवगत करेंगे। इसकी कीमत कितनी होगी सर? एक पिस्टल की ये बाजार में जो बेचते हैं, करीब 10 से 15 हज़ार में ये बेचते हैं। खरगोन के दंगों से इसको जोड़ के देख सकते? अभी ऐसे कुछ तथ्य सामने नहीं आए इसकी पुष्टि। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।